मेरे हाथ में हुआ, लेकिन जाफर भाई को मिल गया दूसरी भी। मैं बताया था तो उसी वीडियो में बता रहा था पीछे के, अभी मैं दोस्त मेरा था जाफर है और ये पुराना आया सही ना किसी यार असगर ना आया। तो वैसे असगर भाई जो है ना ये करते हैं शिकार, शिकार हम किस किस चीज़ करते हैं जाफर बताओ, किस किस चीज़ का करते हैं शिकार भाई? शिकार तो हम करते हैं मगरबी वगैरह का, फाख्ता का, अच्छा, और जंगली कबूतर का, और तिलियर तो कम है अभी। अभी क्या करके लाया शिकार? ये दिखाओ, ये फाख्ता की नस्ल है, फाख्ता की भी है, तो मैं दिखाता हूँ गाइस आपको। तकरीबन हमने 15-10 निशाने लगाए हैं। हाँ हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सब हिट हुए, सब हिट हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको दूसरे कैंप से कि कोई भी ऐसा हमारा जो है ना वो मिस नहीं हुआ, मिस नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये उस्ताद है। मैं भी बड़ी अभी नहीं, तकरीबन 8 साल पहले मैं इनके साथ गया था शिकार पर। कितनी देर से मैं इनको कह रहा हूँ मुझे साथ ले जाओ ले जाओ, लेकिन ये आज भी शिकार अकेले कर रहे हैं। तो मैं जाफर भाई कह रहा यार फिर से चलते हैं यार। सो गाइस आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए हम दोबारा से अब जाएंगे जाफर भाई के साथ, करेंगे शिकार। और पहले आपको दिखाता हूँ कि आज सुबह क्या शिकार किया है। अच्छा जाफर ये क्या क्या है? फाख्ता ही है, फाख्ता है। सो गाइस ये 15 मिनट का शिकार है ये, तो 15 मिनट में देख सकते हैं ये पड़ी हैं गन्स और दूरबीन भी लगी हुई है। चलो भाई ये भाई मैग्नम है, 350 मॉडल। पकड़ो सीधा, पकड़ो इसको जाफर भाई अपने। मैग्नम 350 मॉडल है, मैग्नम 350 मॉडल है। ये मैंने परचेज की थी दुबई से। जाफर भाई पकड़ो हैंड में, हाथ में पकड़ो यार अपने। ये देखो जाफर भाई दुबई से लेके आया था, तो ये मैं दुबई से लेके आया था। सही हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसे मुझे बहुत अच्छा लगा, निशाना अच्छा है इसमें से, बिल्कुल हाँ सही। और वो वाली वो दूरबीन के बगैर है? हाँ वो दूरबीन के बगैर है, ये हमारे असगर भाई हैं। वो ऐसे शुरू से ऐसे शिकार करते हैं असगर भाई, तो असल में शौक है हाँ, तो इसके साथ शिकार करते हैं, शिकार करते हैं। ऐसे ही होगा, देखिए ऐसे ही खुलती है और इसमें डलता है इंशाल्लाह, इसमें इंशाल्लाह डलेगा, लोड होगा दोबारा फिर इसको करके ये निशाना लगेगा इससे। सही है, ये हमारी 350 है। 350 ये कितने की आई थी जाफर भाई? ये भाई तकरीबन हमने ली थी 1800 दिरहम की। जबरदस्त है यार, 1800 दिरहम की। यहाँ से भी इतने की, यहाँ से ये मिलती नहीं है क्या? मिलती है। अच्छा मिलती है, मिलती है, लेकिन इसकी असल प्राइस का मुझे पता नहीं। हाँ सही है, इसकी प्राइस 60,000-70,000। सही है, क्योंकि शुरू से ही जाफर भाई को, असगर भाई को बहुत शौक है शिकार करने का। ये हम पायलट लिए यूज़ करते हैं, ये देखो, दिखाओ ये पायलट है हमारे, इसका नाम है गैमो। गैमो तो क्या देख सकते हो, ये शल इसको कहते हैं हम लोग उर्दू में, पंजाबी में ये पायलट गैमो। हाँ गैमो, गैमो सही, ये अच्छा है वाला। हाँ काफ़ी अच्छा है ये। फंसता क्यों हुआ शिकार होता है ना कि वो गन का मसला होता है या इसका मसला होता है? गन का मसला होता है, गन का मसला फंस जाए तो सही है। इसमें नहीं, इसमें नहीं कभी मसला हुआ आपको जाफर भाई? नहीं नहीं, इसमें तो कभी मसला। हाँ सही है, ये हमारी मुर्गी है। हाँ मुर्गी मैं दिखाई है जाफर भाई ने, माशा बड़ा अच्छा सेटअप माशा रखा हुआ है, काफ़ी सारी मुर्गी। अच्छा अंडे किस टाइम देते हैं जाफर भाई? अंडे भाई ये अभी तो फिलहाल इसको बीमारी आई थी। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत मुश्किल से कवर किया, कवर किया, सर्दी अभी है ना इसलिए। हाँ इसको क्या कहते हैं वो बीमारी का नाम, रानी खेत आ गई। अच्छा रानी खेत आ गई, सही है। देखो पानी में भी मैंने, हाँ हाँ सो देखते थे भाई ये बीमारी जाफर भाई बता रहे हैं कि आगे से मेडिसिन मिलाई हुई है पानी में भी। जाफर भाई डॉगी भी रखा हुआ है एक केयर के लिए यहाँ पर, और जैसे कि अभी शिकार थोड़ा सा करके हैं, वो इससे 15 मिनट का शिकार है, इतने सारे जानवर माशा ने कर लिए शिकार। सो अभी चल अक्सर असगर भाई को बोल रहे हैं, असगर भाई कह रहे हैं नहीं भाई मैंने जाना है, मेरी बेगम जो बुला रही है मुझे घर पे। तो असगर भाई कह रहे नहीं है हमारे साथ चलो शिकार करने के लिए। तो जाफर भाई तो जाएंगे हमारे साथ शिकार करने के लिए, अब देखते हैं असगर भाई मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन आपको वीडियो बहुत मजा आने वाला है, साथ रहेगा। तो बकायदा मैं आपको दिखाऊंगा भाई लाइव शिकार आज करते हुए जानवरों को, इसका परिंदों का। फाइनली असगर भाई भी हमारे मान गए हैं, तो अब दो गन्ने हमारे पास, तो जाफर भाई हैं और असगर भाई हैं। सिंगल गन में जाएंगे उसी वाली? अच्छा ये 360 लेकर गन जाएंगे हम लोग, इससे करेंगे हम शिकार और बहुत मजा आने वाला, वीडियो में साथ रहेगा। और मेरे चैनल मोटी ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब कर दो यार, देख सकते आप क्लिक कैसे कैसे यार अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करके भाई वो अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं कि भाई आपको वीडियो में दिखा सके कि कैसे जो ना हम लोग परिंदों का शिकार करते हैं। चलिए जाफर भाई रेडी? ओके चलो जी हम लोग चलते हैं शिकार के लिए, आप भी वीडियो में साथ रहिएगा। बस हम निकलने लगे अब शिकार के लिए। फाइनली मिल गया शिकार, और मैं ऊंची आवाज से नहीं बोल सकता क्योंकि शिकार उड़ ना जाए। वो गिर गया उधर। किस साइड पे गिरा? उसी साइड पे, उस साइड पे गिरा। तो गाइस हम देखते हैं पकड़ते जाके शिकार को। स्कूल वाली साइड पे गिरा शायद। हां खुल गया ये दरवाजा, ये खुला दरवाजा। सो गाइस चलो जाफर भाई पकड़ो जी। वो तकबीर भी फेरनी है ना? हाँ। सो चाकू जाफर भाई रखा होगा साथ तकबीर फेरने के लिए, क्योंकि तकबीर जब तक नहीं फिरेगी तब तक ये हलाल नहीं होगा, ऐसे ही है ना? हाँ। किधर गया जाफर भाई, किधर गिरा? ये मिल गया भाई, जल्दी 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 जल्दी। सो अभी ये इसकी सांसें चल रही हैं, इसने भाई शिकार जाफर भाई ने एक मार गिराया। जाफर भाई जल्दी फेरो तकबीर, किस असगर भाई के पास है? असगर भाई ये लो, जल्दी जल्दी तकबीर फेर दो भाई। तो देख सकते असगर भाई फेर के तकबीर इसको, क्योंकि तकबीर फेरना बहुत ज़रूरी है, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह पकड़ के। सो वैसा भी हो गया हलाल जानवर परिंदा,
हाँ हाँ अच्छा तकबीर पढ़ के सही है। तो जब ये बात बता रहेगा हम तकबीर पढ़ के निशाना मारते हैं और इसलिए अब ये देखते हैं हो गया एक हो गया शिकार। अब चलते हैं अगली तरफ क्योंकि जब भाई पहले तो जब भाई डिसाइड करना पड़ता है कि शिकार मिलेगा किधर आपको हैं ऐसे ही है। तो देखते हैं भाई बड़ी नज़र इतनी है माशाल्लाह मुझे नहीं था पता कोई भी आप बैठा हुआ लेकिन जाफर भाई और हसका भाई को पता लग गया यहाँ पे शिकार है। सो चले अब चलते हैं आगे हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। ये थी फाख्ता भाई आपको दिखाया गया एक शिकार हो गया और अभी दूसरे शिकार के रेडी है और उनको मिल गया शायद एरिया दिखाता हूँ जल्दी से भाई जाफर भाई की तरह गन पकड़ के खड़े इस सामने जाफर भाई रेडी है बिल्कुल और यहाँ पर भी शायद शिकार मिल गया है। जब मिला शिकार चलो भाई और यहाँ भी हमें मिल गया क्योंकि दरख्त वगैरह पर ही शिकार बैठते हैं और शोर बिल्कुल नहीं करना क्योंकि शोर किया तो शिकार उड़ जाएगा। वो इनकी नज़र माशा बहुत तेज़ होती है जाफर भाई की असगर भाई की क्योंकि ये हफ्ते में दो तीन बार ज़रूर शिकार करते हैं। रुक गया हम लोग हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे कोई शोर हुआ तो काम खराब हो जाएगा। सो फाइनली गाइस एक और शिकार आपके सामने गिर गया भाई। रुक जा हमें रोक दिया कि भाई रुक जाओ एक और है शिकार यहाँ पर हो जाओ भाई जल्दी से लोड करके एक मार गिरा है मिलेगा दूसरा। आहो इधर हो इधर आ ना लाई इधर आ आस पास सजे पास हो भी पीछे हो खाने लगता है क्या चलेगा लकड़ी ने अगे लेकिन ज्यादा आंधी भी सगे दूसरा ओहो आ गया नहीं डिग पे नहीं है ठीक है दो डिग भी तो गाइस ये भी मार कर रहे जाफर भाई ने वो फड़ो वो वाली और देख सो भाई ये तीसरा निशाना तीनों निशाने में एक एक बार में ही गिर गई ये शिकार। अब हम इसको पकड़ेंगे जल्दी से खुशा इसकी टांग पे लगी है उस साइड जाओ भाई किधर वो सामने हाँ वो बैठी हुई है गिर गई लगाओ वैसे गिर गई पकड़ लिया मैंने इसको जब पकड़ने इधर आगे हाथ में मेरे पड़े इसका बस ये चलो भाई ये गाइस ये आगे भी ये फाख्ता ही है ना अच्छा और देख सकते हैं कितना मज़ा आ रहा है और ये इसलिए है क्योंकि भाई जाफर भाई और ये असगर भाई हमारे मास्टर हैं शिकार के तो इसलिए कोई भी निशाना मिस नहीं करते 90-95% निशाना जो है वो लगता है और तीन जो है हमने फाख्ते हैं शिकार कर लिया आज है कि ये अच्छा कार रखी गए नहीं यार वैसे ही रंग हाँ रंग तो लगा था यार रंग लगा था फाख्ता शायद किसी ने पाली होगी ना लेके बाजार से हाँ चलो इसको भी तकबीर फिर होगी देख सकते भाई जाफर भाई ने तीन बार में तीन शिकार निशाने लगा लिए बिल्कुल सही और जाफर भाई इतनी दूर से भी जाफर भाई को नजर आ गया यार मैं नहीं पता लगता है जाफर भाई क्योंकि वो आपको तजर्बा हो गया बात सारी क्योंकि कितनी देर हो गई है शिकार करते हुए सही आपको काफी देर हो गई 15-20 साल हो गया तो माशाल्लाह देख सकते 15-20 साल का तजर्बा भी है और नजर भी एक होती है पता लग जाता है कहाँ पर जानवर है कहाँ पर परिंदा है कहाँ पर शिकार करना है। बाबा मैं उसे जानवर नहीं कर रहा पता नहीं क्यों जानवर भी कह सकते जाफर भाई इसको कि नहीं कह सकते जानवर भी यार कह सकते हैं वो भी कोई गलत बात नहीं है।
मैं पूछ रहा हूँ आपसे यार, शिकार का जो सही जो मतलब होता है मौसम, वो कौन सा होता है शिकार का मौसम सही? भाई शिकार का मौसम ये अभी तो जो है ना ओस पड़ रही है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ ऐसे ही सर्दी बहुत है। हाँ सर्दी बहुत है तो तकरीबन 15 दिन के बाद सही ना। हाँ सही मौसम होगा जब, क्योंकि धुंधे वगैरह खत्म हो जाएंगी और जनवरी का तकरीबन 10-15 दिन डेट आ जाएगी तब शिकार ज्यादा मिलेगा। कमाते हाँ इधर कमाते, देखो भाई असगर भाई इधर से आए थे असगर, तो ये कमाद है ना? हाँ, कमाद है। तो पीछे ये लगे हुए गन्ने लगे हुए हैं, तो गन्ने चोरी करेंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्लेस पे, तो वहाँ पर हम ढूंढेंगे अभी शिकार कहाँ मिलेगा, और हमें क्योंकि अलग अलग जगह पर मिलता शिकार एक जगह पर नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। सो वही हम कर रहे हैं, क्या है यही नहीं कि भाई एक जगह से सब कुछ शिकार मिल जाता है, इसलिए हम देखते हैं पहले हम किधर से दूसरे मोहल्ले में आए हैं, उस एरिए में आए, तो ऐसे ही है ढूंढना पड़ता है कि जहाँ पर शिकार मिल जाए। तो पहले हम अपने मोहल्ले में थे, अब हम दूसरे मोहल्ले में आए हुए हैं, हम यहाँ पर ढूंढेंगे हम शिकार। देखते तो भाई ये भी एक खुला एरिया है इस साइड का, और यहाँ पर भी चांसेस है हमें मिलने के। क्यों जा भाई को नज़र आया? जब भाई तो दरख्तों पर नज़र मार रहे हैं यार कि कुछ मिले। तो यहाँ पर एक छप्पर टाइप है और यहाँ पर शायद मिल गया जब भाई को शिकार। लगा बच गई जल कुकर भी बैठे हैं। जल कुकर नहीं लगा, जल कुकर नहीं। काफी वो दूर पे दूर था और काफी टानी वगैरह थी दरख्त की इस वजह से, कभी यार बोला ना 90-95% तक चांस है लगने के, क्योंकि भाई ये भी इनका तजर्बा है, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पर शायद कुछ मिला जाए भाई को। मिला जाओ भाई कुछ, वो वहाँ पे बैठी है फास्ट है एक। निशाना जफ़ा में लगाया था, उसकी टांग पे लगी थी लेकिन वो थोड़ा सा वो सर्वाइव कर गई, तो इसलिए अभी हम निकले हैं अगली जगह के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम ढूंढेंगे अब शिकार। जब लगी थी उसको जफर भाई? हाँ वो लगी थी, वो आगे चली गई आगे, क्योंकि काफ़ी दूर उड़ के चली गई है, क्योंकि उसकी टांग पे लगी थी शायद कहीं, और वो अच्छी सही जगह पर लग गई तो उसने गिर जाना था। जब अभी तलाश में आके मिल जाए ऐसा ही है, चलो चलते आगे। दो बैठी हुई यहाँ पर फाहते हैं, वो गिर गई दोनों, क्या बात है यार, एक तीर में दो शिकार हजार रुपये नहीं कर दिए यार, क्या बात है। देख सकते हैं भाई ये है प्रोफेशनलिज्म, एक तीर से दो शिकार, और ये एक और ये दो, दोनों मार गिरा एक से ही। ऐसे ही है, मुझे ना पता, आपको तो पता भाई क्या पहले कहते जाओ भाई, भाई इस दफा दो गिरानी है एक में, तो देख सकते हैं भाई ये भी एक रिकॉर्ड है भाई, एक ही निशाने में तीन गिराई हुई है, क्या बात है भाई, तीन गिराई हुई है जाफर भाई ने, देखते भाई एक ही बार में दो गिरा दी जोड़ा। चलो भाई देख सकते भाई, जाफर मैंने बहुत ही ज़बरदस्त निशाना लगा, और ये बहुत देर से हम लोग दिख रहे थे यहाँ बैठी हैं, तो जब मैंने अच्छी पहले लोकेशन सेट की, मैं जाफर भाई कहता नहीं जाफर भाई इधर से लगाओ सामने से लगाओ, तो जाफर भाई नहीं भाई एक निशाने में दो गिरेंगी, तो वही हुआ ऐसा ही है। तो भाई ये देख सकते शुक्र भाई दिखा रहे हैं, सो एक ही निशाने में दो गिरा दिए हमने परिंदे, तो चलें अब चलते हैं आगे, देखते हैं अभी और हमें क्या क्या मिलेगा। सो आई होप आपको वीडियो में मज़ा आ रहा होगा, तो देखते हैं भाई कैसे हम लोग शिकार करते हैं जफर भाई और असगर भाई। सर आपको मैं वीडियो इसलिए स्पेशल अब बना रहा हूँ, आज संडे है ताकि भाई बहुत कम ऐसी वीडियो बनी होगी, इसलिए मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ कैसे हम लोग पाकिस्तान में परिंदों का शिकार करते हैं। अभी तक जफर भाई ने कर लिया तकरीबन 5 से 6 हमने परिंदे को शिकार कर लिया, देखते हैं आगे हमें क्या मिलेगा। दोबारा से जा रहे हैं अगली लोकेशन पर, क्योंकि इस लोकेशन पर जो हमें मिला वो हमने शिकार कर लिया, अब हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन, कोई और एरिया ढूंढेंगे वहाँ पर हम करेंगे शिकार। गिर गई ये गई, सो गाइस आ गया एक और शिकार हो गया भाई, ओए उड़ उड़ ले। सो गाइस अभी ये मेरे पर पे लगी है, इसके चले इसके पर पे लगी है, देख सकते भाई इसके ये पर पे लगी है ये। सो फाइनली ये गिर गई एक और, तो जाओ भाई
तो सबर काम आएगा थोड़ा सा है। जाफर मैंने एक मार गिराई और क्या और की मिली है नसर मारा है जाफर भाई भाई ये तो होगी। और भाई असगर भाई फेड़ेंगे तकबीर इसके लगी है नहीं लगी सो लोकेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो रही है जाफर भाई को निशाना लगाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना दरख्त है ये। चले मिल गया लगाया था और ये मिली है। ये भाई ने हमें बताया कि भाई ये आपकी गिरी हुई है जब भाई ये आपका निशाना इसके सर में लगी है सो इसका हमें पता नहीं कोई भी कि भाई ये पकड़ी है लेकिन वो भाई ने हमें बता दिया। हाँ सो ये वही है निशाना जो हमने उस दरख्त पे लगाया था और ये हमें यहाँ आके मिली है। हाँ हाँ ऐसी गल है। हाँ वो लड़ नज़र पे आ गई सब तलब। सो ये वो निशाना था जो हमें लगा था मिस हुए लेकिन ये निशाना लगा था इसको सिर पे थोड़ा। हाँ सिर टच हो गई है ना सिर पे। हाँ सिर पर लगी जगह वो निशाना ही ना उठे लाई चक्कर चढ़े सही है तो जब एक टेंशन सही है लगे निशाना उन्होंने यार सिर पर लगे जब भाई नहीं फिर भी जाओ तसली कर रहे अपनी गन की पूरी क्योंकि थोड़ा सा लग रहा था उन्हें कि अलाइनमेंट खराब है लेकिन इसलिए वो चेक कर रहे हैं। गई 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 ओ गई 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 गई। सो गाइस फाइनली वो भी गिर गई है। चल ये पकड़ ला देखते हैं गाइस अलाइनमेंट चेक करके उन्होंने मारी और ये एक और शिकार उन्होंने मार गया देखते हुए है किधर है किस साइड पे अली हैं इधर ही आई किधर गया इधर सही साइड पे कहीं आया यार। सो गाइस ढूंढ रहे हम लोग ये है किधर है। हेलो आवाज सुन। सो गाइस मिल नहीं रहा है वही हम ढूंढ रहे हैं वही किधर आया किधर है ये। अली किस साइड आया यार मिला मिल गया किधर ही हैं किधर ही हाँ ये। सो फाइनली ये मिल गया ये पड़ा शिकार। सो देख सकते हैं गाइस ये कहाँ आ गए क्योंकि निशाना लग जाता है फिर थोड़ा सा उड़ के लग गए तो गिर जाते हैं नीचे। सो ये आ गया निशाना चल के जाफर भी देते हैं भाई एक और गिर गया है। करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जाफर बताएंगे अगर दोपहर के 2-3 बजे बताओ जाफर किस टाइम में इस टाइम शिकार किधर मिलेगा। अभी ये शिकार मिलेगा इधर खेतों में मिलेगा नीचे बैठा हुआ नीचे जो आगे हम आपके सामने दरख्तों पर शिकार कर रहे थे जाफर भाई और वो बता रहे कि टाइम हो गया 2-3 का इस टाइम जो है वो परिंदे सारे वो खेतों में वो दाना चुगने के लिए आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अब हमें शिकार कहाँ मिलेगा वो आपको दिखाने के लिए। इस तार के ऊपर दो बैठी हुई हैं वो मिल गई जाफर भाई को। लगी है लगी है गई 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 ध्यान रखे अगले सीन होना। हाँ हाँ चल अली आ जा अनु उधर डिग भी है
जाग बैठे थे। सो गाइस क्योंकि एक जो निशान लगा है उसको वो वहाँ पे गिरी है जाके मेरे से दरख्त पे, और कुत्ते भी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखे जफा भाई गा रहे हैं भाई वहाँ पर मिल जाए। आ जाए तेरे प्यार अब। सो इधर ही बैठी शायद सदे गिर गई है ना, तो उसी को हम ढूंढ रहे हैं, इसको निशाना लगाया था और शायद वो गिर गई हो, उसको निशाना लगा तो था। ये ओहो ओए भाई फाइनली वो गिर गई है क्योंकि उसको निशाना लग गया है, वही मैं पकड़ने जा रहा हूँ। सो कभी कभी ऐसा होता है इसके गिर गई है, मैं पकड़ लूंगा इससे मैं अब नहीं मैं पकड़ लिया। सो फाइनली पकड़ा गया ये शिकार, देख सकते हैं इसको लगी थी काफ़ी देर से हमें ये घुमा रही थी, फाइनली ये मिल गई। और जफा भाई को था कि भाई लगी है गोली इसलिए पकड़ लिया हमने इसको। सो उसके भाई हमारे रेडी हैं लेकर छुरी, बड़ा दरो आया इसने आया जफर भाई फाइनली पकड़ी गई। लगी किधर इसको, टांग भी लगी थी हाँ इसीलिए ये लगी इसको, पूछ लो दो लगी है ना एक तुम्हारा निशाना फिर इधर आई। फाइनली शिकार हमने कर लिया, 16 परिंदे हमने शिकार कर लिए और जफर भाई ने और आसिक भाई ने। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, सारा आपको हमने दिखाया कि भाई क्या कितना, और बहुत ही हमने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और क्यों जब मज़ा आया आप तो रोज़ ही क्या करते लगे, हमें बहुत मज़ा आया। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम इंशाल्लाह पार्ट 2 भी इसका बनाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किस नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। ओके जफर भाई बाय बाय कर दो भाई, और मेरे चैनल बड़ी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें।